विकास के नए आयाम इस क्षेत्र छू पाए, विकास और प्रगति और रोजगार के नए आयाम ये क्षेत्र हासिल कर पाए, और इसी सोच विचारधारा के साथ जो 370 अधिनियम सामाजिक प्रगति को, ग्रामीण प्रगति को सभी के लिए एक गति अवरोधक के रूप में खड़ा था, पिछले 1.5 साल में जो प्रगति और विकास की लहर आई है और एक एक मंत्री जो यहाँ आ रहा है कोई पर्यटन के लिए नहीं, सैर के लिए नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर की आबादी को विकास और प्रगति के मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए कुछ न कुछ अपने साथ लेके आ रहा है। अब परसों नितिन गडकरी जी आ रहे हैं, अनेक योजनाओं का शिलान्यास होने वाला है, गुलमर्ग से बारामूला की सड़क, वैलू से डोनीपावा की सड़क, डोनीपावा से आशाजीपुरा का सड़क, और पूरे श्रीनगर के लिए 22 किलोमीटर का रिंग रोड 3,000 करोड़ रुपए का। इतनी महत्वाकांक्षी योजना लेके केंद्र सरकार आ रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 नए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट लगे हैं, 7 नए मेडिकल कॉलेज लगे हैं, 5 नए नर्सिंग कॉलेज लगे हैं। बिजली के क्षेत्र में, क्योंकि पूर्व में मैं ऊर्जा मंत्री रहा हूं भारत सरकार का, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज ग्रामीण जम्मू कश्मीर में 100% विद्युतीकरण हम लोग हासिल कर पाए। लोगों के साथ मेरा वार्तालाप हो रहा है। अब दूसरे देशों का क्या एजेंडा है ये वो देश तय करें। चले यहाँ की देश की बात करते हैं। अरे भाई मुझे समाप्त तो करने दो भाई, प्रश्न तुम पूछते हो तो थोड़ा सबर तो रखो कि उत्तर तो सुन पाओ। देश की जनता एक मत में है विकास के प्रति, प्रगति के प्रति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और जो झंडा देश का कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से असम तक प्रधानमंत्री जी के द्वारा विश्व पटल पर फहराया जा रहा है, वर्तमान में अमेरिका में सारे विकसित देशों के शीर्ष नेतृत्व के साथ 1-to-1 बैठक हो रही है, जो भारत की पहचान विश्व पटल पर हुई है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। हमारे पड़ोसी देशों का जो भी एजेंडा हो, हमारा एजेंडा सकारात्मक है, हमारा एजेंडा विकास का है, हमारा एजेंडा प्रगति का है, और जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है, एक ही भाग है, एक ही देश है, और कोई भी शक्ति अगर सोचती है कि इसमें कोई भी कमी ला पाए तो वो मुगलते में है। हमारा देश एक है और हमारा देश एक ही रहेगा। तो मैं और अपने पड़ोसी देशों के विकास और प्रगति में उत्पन्न किया, हमारी सोच विचारधारा 130 करोड़ जनता की जोड़ने की है, तोड़ने की नहीं, और इसीलिए भारत की आध्यात्मिक शक्ति की पहचान, सॉफ्ट पावर की पहचान विश्व स्तर पर है। हमने केवल अफगानिस्तान नहीं, सारे पड़ोसी देशों में और कोविड के ज़माने में तो पूरे विश्व को हमारे वैक्सीन्स का निर्यात करके लाखों जान बचाई है। ये भारत की पहचान है पूरे विश्व में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।